वादियों में ट्रैकिंग करें। बुनिया लेक इंटर कॉलेज के स्काउट के साथ आज हम ट्रैकिंग पर जा रहे हैं और ट्रैकिंग के दौरान हम देखेंगे कि क्या क्या गतिविधियां होती हैं। हम इसके माध्यम से स्काउट्स को ये सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वो ट्रैकिंग हाइकिंग के दौरान नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं। पहाड़ी रास्तों पर चलना आसान तो नहीं है, किंतु हमारे स्काउट्स चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये पतली पतली पगडंडियाँ उन रास्तों के माध्यम से पहाड़ों के दूसरे छोर तक जाती हैं। ट्रैकिंग के दौरान आपको इस तरह झरने की आवाज भी सुनाई दे सकती है, जो रास्ते में एक प्राकृतिक स्रोत के रूप में मिल सकता है। स्काउट्स को इस तरह से घनी झाड़ियों के बीच से भी गुजरना पड़ता है। ट्रैकिंग के दौरान आपको ये सब देखने को मिलेगा। ये एक एडवेंचर का हिस्सा है स्काउट्स के। रास्ते अति दुर्गम भी हो सकते हैं, बर्फीले भी हो सकते हैं, और हर तरह के रास्ते में ट्रैकिंग आपको करने को मिलेगी स्काउट्स को। घने जंगलों के बीच से स्काउट्स गुजर रहे हैं, झाड़ियों में के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए। घनी जंगलों से झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए फिर से बर्फ के हसीन नज़ारे आपको दिखाने जा रहे हैं। अगर ऐसे रास्तों में आपके पास जूते बूट वाले हों तो बहुत सुविधाजनक होते हैं। भारत स्काउट गाइड, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। रंग गगन सा विस्तृत मातृ भाव फैलाता, त्रिदल कमल तीन प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता, और चक्र कहता है प्रतिवर आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। भारत माता की जय। अभी अभी हम ट्रैकिंग करके आए हैं और ट्रैकिंग में इस तरह का डंडा और इस तरह के बूट का इस्तेमाल हमने किया है। भारत माता की जय।